बिल्ली और कबूतर के ताल्लुक से कि बिल्ली कबूतर का पालना जायज़ है या नाजायज़ है, तो दोनों ही एक जानवर और एक परिंदे ये दोनों का पालना ये जायज़ है। और बिल्ली और कबूतर के मामले में एहतियात ये है, खसूसन बिल्ली के मामले में, कि ये इसके नजासत का ख्याल रखना पड़ता है, यानी ये कोई ऐसी जगह या कपड़े को नापाक ना करे कि जो नमाज़ में इस्तेमाल होता हो और फिर बेदहानी में कोई उसी पर नमाज़ पढ़े, उसे पहन के नमाज़ पढ़ ले। इसके अलावा इसको छूना, गोद में रखना, हाथ फेरना, ये सब जायज़ है और इससे ना वज़ू टूटता है और ना आदमी नापाक होता है, तो घर में बिल्ली पाली जा सकती है। अब ये कि बहुत सारे लोगों को शक शुबा होता है कि शायद कुत्ता या बिल्ली छू जाए या कपड़े वगैरह पे लग जाए तो ऐसे सूरत में कपड़ा नापाक हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। और बिल्ली में एहतियात दोनों परिंदों, एक जानवर और एक परिंदे में एहतियात ये है कि इनके खाने को इनके पास में हमेशा रखा रहना चाहिए, यानी हाजिर रहना चाहिए। ऐसा ना हो, क्योंकि ये बेजुबान है, खुद भूख लगने पर इसका इजहार आप लोगों की तरह नहीं कर सकते, खाना नहीं मांग सकते। इसलिए बिल्ली को खाना उसके पास हमेशा, जो भी उसका इंतज़ाम आप करें दूध या रोटी वगैरह का, वो उसके पास हाजिर रहे कि उसका जब दिल हो वो उसे खा पी ले। ठीक इसी तरह कबूतर का पालना है कि उसके पिंजरे में या जिस जगह आप पालें वहाँ पे दाने वगैरह का, पानी वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, यानी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, या टाइम टेबल आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि सुबह इंसानों की तरह 3 टाइम उसको दाना पानी डाला जाएगा, बाकी नहीं डाला जाएगा, तो ये गलत है। परिंदों को तो 100 बार दाना दिखाया जाए कि जब उनको दिलो वो खा सके, इन उनकी हाजत के मुताबिक। और परिंदे में, ख़ास तौर से कबूतर में, एक एहतियात ये है जो आपने सवाल में वाजे नहीं की, कि इसका पालना किस गरज़ से है कबूतर का। अगर कबूतर का पालना इस गरज़ से है कि उसको लड़वाना है कबूतरों को, या उसको उड़ाना है, जिस तरह आजकल के उर्फ़ आम में कबूतरबाजी कहा जाता है, और इससे मुराद ये होती है कि कबूतरों को ये उड़ाते हैं और घंटों घंटों तक इसको हवा ही में, यानी मजबूर करते हैं आसमान में उड़ने के लिए, इनको बैठने नहीं देते, यहाँ तक कि बहुत लंबी रेस वगैरह करते हैं, या कबूतर दो ग्रोह आपस में कबूतरों को उड़ाते हैं, फिर वो कोई दूसरे का कबूतर उनके ग्रोह में आके शामिल हो जाता है, तो इस तरह ही उसको रख लेते हैं। और बाज़ का तो मकसद भी यही होता है, कबूतर उड़ाते हैं ताकि इनके झुंड में किसी दूसरे का कबूतर आ जाए, कोई महंगा कबूतर उड़ी उसको रख ले, यानी गसब कर ले, ले ले और रख ले, तो ये सूरत नाजायज़ और हराम की है। बल्कि इस तरह किसी का परिंदा आपके पास आ गया और ये आपको मालूम है, यानी जब आदमी छत पे खड़ा होता है तो जाहिर है कि देखता है कि किस ग्रुप का परिंदा मेरे ग्रुप में शामिल हो गया, तो इस सूरत में उसको लौटाना पड़ेगा परिंदा। इस तरह गसब करने की नीयत से पालना, उड़ाना, ये दोनों चीज़ें नाजायज़ हैं। ठीक इसी तरह अगर ये नीयत तो नहीं है कि किसी और का कबूतर आएगा, मगर इतना ज़रूर है कि कबूतर उड़ाने में कि उनको बैठने नहीं दिया जाता, मजबूर किया जाता है उनको ज़बरदस्ती आसमान में उड़ने के लिए, ये सूरत भी नाजायज़ और गुनाह की, तो कबूतरबाजी में इसकी भी इजाज़त नहीं है। हाँ, सिर्फ खाली कबूतर घर में पालना है शौक़ के एतबार से, बच्चों के खेल कूद के सामान के लिए, या इस तरह शौक़ में पालने के लिए कि परिंदों को पाल के उनको दाना पानी आप देंगे, उनकी परवरिश करेंगे, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप वहाँ तक तो पाल सकते हैं। और कबूतरबाजी में एक नुकसान का ये है कि ये जो लोग छतों के ऊपर चढ़ जाते हैं, अक्सर सबको नहीं लेकिन अक्सर मामला ऐसा होता है कि इनकी छतें ज़्यादा ऊंची होती हैं और ये छतों पर चढ़ते हैं, तो दूसरे मुसलमान के घर में झांकने का भी मामला जो है हो जाता है, और ये भी बहुत सख्त और गुनाह है कबीरा में से, कि जिसने किसी मुसलमान के दरवाजे या पर्दे में बिना उसकी इजाज़त के झांका, गोया कि उसने जहन्नम में आग को देखा या आग को झांका। तो इस तरीके से छत पे चढ़ने के बाद दूसरे के घर में झांकना, ये इधर उधर बिला उधर शरई झांकना, ये भी नाजायज़ काम है। तो इसलिए कबूतरबाजी में तो इसकी इजाज़त नहीं है। बाकी ये कि सिर्फ पालना है, घर में रखना है, बिल्ली हो कबूतर हो, तो जिन परिंदों और जानवरों की इजाज़त है उनको पाला जा सकता है, वक्त पे खाना दिया जा सकता है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं। और कबूतर की बीट भी पाक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, यानी अगर कबूतर किसी कपड़े पर बीट कर भी दे तो उसको इसी तरह साफ़ करके बिना धोए भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, इसमें भी कोई हरज नहीं है।